हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, नंबर सिस्टम के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। ये आपका क्वेश्चन है 4 3 बेस x इक्वल टू y 3 बेस 8, हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x और y की पॉसिबल जो वैल्यूज है वो बतानी है। ये क्वेश्चन आपका गेट 2015 में पूछा गया है, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच में पूछा गया, तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो जो स्टूडेंट्स इसकी यूनिवर्सिटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर गेट एनटीए नेट सीएसआईआर नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमें गिवन है 4 3 बेस x इक्वल टू y 3 बेस 8। ओके, तो इस क्वेश्चन में x और y की पॉसिबल वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले सिंस x इज अ बेस, तो आपका x क्या है, बेस है एक नंबर का जिसमें डिजिट यूज हुए हैं 4 और 3, ठीक है। तो आपका जो नंबर 4 3 है उसका बेस x है। ओके, एंड वी आल्सो नो दैट बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिजिट्स यूज इन नंबर। तो हमेशा आपका जो बेस है वो ग्रेटर होता है जो नंबर में डिजिट यूज हुए हैं। जैसे आपका अगर बाइनरी नंबर है तो बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, बाइनरी नंबर का बेस 2 होता है, तो इसमें डिजिट क्या होते हैं, 0 और 1 ही यूज होते हैं, ठीक है। बाइनरी के केस में 0 और 1 आपके डिजिट यूज होते हैं, 0 और 1 डिजिट यूज होते हैं बाइनरी के केस में। और आपका अगर बेस 8 है तो डिजिट 0 to 7 यूज होंगे। ओके, और आपका जो डेसिमल नंबर है उसमें 0 to 9 डिजिट यूज होते हैं और बेस होता है 10, ठीक है। इसके अलावा जो आपका बेस 16 पे होता है हेक्साडेसिमल नंबर, उसमें 0 to 9 यानी 10 डिजिट यूज होते हैं, ठीक है। एंड कैपिटल ए टू कैपिटल एफ आपके ये अल्फाबेट यूज होते हैं। तो टोटल आपके ये 15 डिजिट यूज होते हैं। ओके, 16 हो गए, 0 से काउंट करोगे 16 हो जाएंगे, ठीक है। तो 16 डिजिट यूज होते हैं हेक्साडेसिमल में। ओके, तो बेस हमेशा क्या है, एक्स की वैल्यू 4 और 3 से ग्रेटर होगी, ठीक है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हो डेसिमल नंबर कंटेन्स डिजिट 0 to 9 एंड बेस इज 10, सो इन दिस केस एक्स ऑलवेज ग्रेटर देन 4, दिस इज कंडीशन 1। तो आपका जो नंबर 4 3 बेस x है उसमें x ग्रेटर होगा 4 से। सिमिलरली इस केस में हम देखते हैं कि y और 3 जो नंबर है उसमें जो बेस 8 है तो y की वैल्यू हमेशा s 8 से छोटी होगी, तो ये कंडीशन आपकी सेकेंड हो जाएगी, ठीक है। अब इस नंबर को हम डेसिमल इक्विवेलेंट निकाल के देखते हैं। तो देखिए 4 3 है, बेस x है, तो सबसे पहले इसकी इंडेक्सिंग 0, ये 1, तो इसका मतलब है 4 into x की पावर 1 प्लस 3 into x की पावर 0 इक्वल टू, इसको ओपन करते हैं तो 0 1, तो y into 8 की पावर 1 प्लस 3 into 8 की पावर 0, तो ये वैल्यू 1 हो गई। और तो ये देखिए आपका आ गया 4x और x की पावर 0 मींस 1 हुआ, तो 3 into 1 = 3 हुआ इक्वल टू 8 की पावर 1 into y, आपका 8y हो गया प्लस 3 into 8 की पावर 0, तो 8 की पावर 0 वैल्यू 1 है, तो आपका फाइनली 3 आ गया। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हुआ, ठीक है। तो आप देख सकते हो 4x इक्वल टू 8y आ गया, ठीक है। तो इट मींस x इक्वल टू आपका 2y आ गया, क्लियर। तो ये आपकी कंडीशन नंबर 3 हो गई। ओके, क्लियर, इट इज क्लियर दैट द वैल्यू ऑफ x इज ऑलवेज डबल फ्रॉम y। ओके, मींस x इक्वल टू 2y, x की जो वैल्यू है वो दुगनी है y से, क्लियर। तो इस कंडीशन से अब हम कंडीशंस निकालते हैं कि x और y की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है पॉसिबल। नाउ वी आर डिटरमाइनिंग पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो हम देखते हैं x और y की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो सकती हैं। तो कंडीशन आप यहां से देखिए, कंडीशन नंबर 2 से y की वैल्यू हमेशा 8 से लेस होगी, तो यहां पे हम y की वैल्यू 7 से पुट करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो y इक्वल टू 7 होगा। अब चूंकि x की वैल्यू y से डबल है तो x की वैल्यू 14 हो जाएगी, ठीक है। और जब आपका y 6 होगा तो x आपका 12 हो जाएगा,
when y is 5, x become 10. When y is 4, x become 8. And y is 3, x become 6. Okay. Now, the value, when y is 2, then x according to condition x must be 4. But from the condition 1, x always greater than 4. जब आपका y की वैल्यू 2 होगी तो x की वैल्यू 4 होनी चाहिए, बट कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग x की वैल्यू हमेशा 4 हो से ग्रेटर होगी, इसलिए आपका केस ये केस इनवैलिड है, ठीक है, बिकॉज x ग्रेटर देन 4, ओके, हेंस देयर आर 5 पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y, दिस इज योर आंसर, इट मींस x और y की पॉसिबल वैल्यूज आपकी ये 5 होंगी, पहली ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये और पांचवी ये, means जब y बराबर 7 x equal to 14, when y is 6 x is 12, when y is 5 x is 10, when y is 4 x is 8, when y is 3 x become 6, this is your answer, okay, तो 5 cases हो सकते हैं, तो आपका जो option होगा जिसमें x और y की value 5-5 हो सकती है, 5 possible cases, तो वो आपका option सही होगा, तो gate पे आपके इसी pattern पे question पूछा जाते हैं, और इस समय काफी पूछे जाते हैं, तो आप लोग जो भी इस प्रकार की यूनिवर्सिटी एग्जाम या CSIR नेट या NTA नेट या गेट के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, थैंक यू।